12 बजे के बाद का टाइम है और मैंने इशा पढ़ ली हुई थी और उसके बाद से और यहाँ मैं अकेली बैठ के अल्लाह ताला से बातें कर रही हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। मतलब जब आपको किसी से प्यार होता है ना तो आपका दिल जो है ना वो बेचैन रहता है, तो मेरा भी कुछ यही सीन चल रहा है। तो अभी आधा घंटा है और मैं सोच रही हूँ कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लूँ और ताकि अल्लाह ताला से ज़्यादा अच्छे से बातें हो जाएं। बस अल्लाह ताला को मिस कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर पहले से इशा पड़ी हुई है, तो मेरी चीज़ें मुझे इरिटेट करती हैं मेंटली या हार्डली। उनके बारे में मुझे क्या करना चाहिए, ये सब सजेशंस अभी मुझे अल्लाह ताला से करने हैं। सो मुझे लग रहा है कि आज मैं फर्स्ट फजर पढ़ के सोऊंगी इंशाल्लाह। तो मॉर्निंग हो गई है, अस्सलाम वालेकुम। अपनी बिजी रूटीन में से मेरे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। चले जी अब हम नाश्ता बनाते हैं। नाश्ता बनाने के बाद जो हमने सबसे पहला काम करना है ना वो ये है कि हमने आज इम्तियाज़ जाना है, थोड़ी सी ग्रोसरी करनी घर के लिए और खुद के लिए। सो आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं चाय नहीं दूध पीऊँगी साथ केक, और फिर उसके बाद हम रेडी होते हैं। अच्छा वैसे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया लेकिन मैंने अभी तक अपने आप को सही नहीं किया। सच में चाय चाय ही है बट अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई हैव डिसाइडेड कि अब हमारा नाश्ता तो हो गया है गला थोड़ा सा ख़राब है, कंप्रोमाइज़ करिएगा। नाश्ता तो हो गया। वैसे आप लोग को बताऊं, मुझे जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए ना अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा चाहिए होता है, क्योंकि ये दिन की पहली नमाज़ होती है और मुझे बहुत तसल्ली से पढ़ने का जो होता है ना वो शौक़ होता है। तो अज़कार भी मैंने कर लिए थे और नमाज़ भी मैंने अदा कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं इम्तियाज़, इंशाल्लाह आज वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखेंगे और देखेंगे। अब जैसे कि हमारा प्लान था कि हम नाश्ता करने के बाद इम्तियाज़ जाएंगे, मैं इम्तियाज़ आई तो वो बंद था जुमे की वजह से। मैं कि इम्तियाज़ जो है ना वो 2:30 बजे खुलेगा और सामने ही टावर था। अब मैं रात को याद कर रही थी कि जब मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना तो उसका पीछे ना एक ही बैकग्राउंड होता है, तो अल्लाह ताला मुझे ना कोई प्यारा सा बैकग्राउंड बताएं जो अच्छा भी लगे और जो प्यारा भी हो। तो अल्लाह ताला ने ना मतलब कैसे मेरे लिए ये प्लान किया था, खुफिया तदबीर थी कि मैंने जब इम्तियाज़ को क्लोज देखा तो मैंने कहा यार सामने टावर है, यहाँ जाके मैं अपनी आप लेके जाओ चाय, मैं आ रही हूँ। तो हम मतलब मैं अपनी वीडियोस भी बना लेती हूँ और वीडियो भी शूट कर लूँगी और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप देखेंगे अल्लाह ताला ने यार कितनी खूबसूरत तरीके से मेरे लिए बैकग्राउंड के जो है वो इंतज़ाम किया, तदबीर की, जो कि मेरे माइंड में भी नहीं था। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मतलब मैंने मतलब इस तरह मैंने टावर पे जाना है या कुछ इस तरह, बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला को याद था, अल्लाह ताला नहीं भूले। तो ऐसे सोचा करें कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही या ये चीज़ नहीं होगी तो ये जो चीज़ आपके लिए होगी या तो वो आप तक पहुँचा दी जाएगी या आपको उस तक पहुँचा दिया जाएगा। कर रही थी तो मुझे अल्लाह ताला पे इतना प्यार आ रहा था कि मैं भूल गई थी, मेरे माइंड से निकल गया था कि मैंने किसी बैकग्राउंड पे जाके या कहीं जाके मैंने कोई शूट करना है या कोई शॉर्ट्स बनानी है टिकटॉक इंस्टाग्राम की, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला के माइंड में था और अल्लाह ताला को याद था, अल्लाह नहीं भूले, और उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मैं चाय पीऊँगी और फिर हम इम्तियाज़ चलते हैं, उतनी देर तक मैं इंस्टा और टिकटॉक के रील्स भी बना लूँगी, शॉर्ट्स भी बना लूँगी। आज का टेबल बना है, कितना प्रीटी टेबल लग रहा है। देखिए वही जमीन है, वही टावर है, वही लोकेशन है,
सेम चीज़ें सबको अल्लाह ताला ने अता की हैं, मतलब कि अल्लाह ताला ने वही आसमान, वही ज़मीन, वही सूरज, वो चांद, वो सबके लिए ही निकलता है। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे लोग इस लोकेशन को यूज़ करते हैं फ़ोटोशूट के लिए, और मैं यूज़ कर रही हूँ अल्लाह ताला की काम के लिए। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने नॉलेज को, आप अपने टैलेंट को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। कम टू अल्लाह, टॉक टू अल्लाह, छोटी चीज़ों में, और अल्लाह ताला को फाइंड आउट करेंगे, उसमें अल्लाह ताला का क्रिएशन को चेक करेंगे कि यार ये मेरे अल्लाह ताला ने कैसे बनाया होगा। आपको खुद ब खुद अल्लाह से प्यार होने लग जाएगा। और जब तक आप, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, जब तक आप अल्लाह ताला के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं ना करेंगे, आपका कोई भी काम अच्छा नहीं होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको अपने काम में कन्फ्यूजन रहेगी, आपको अपना काम अच्छा नहीं लग रहा होगा, आपको डाउट होगा उस चीज़ के ऊपर। लेकिन जब आपके साथ अल्लाह होता है ना, तो आप एक चीज़ करते हो कि यार अल्लाह मैंने ये काम कर दिया है, ठीक है, और अब मुझे इसमें तेरी रजा चाहिए। अगर काम खराब भी हो जाता है, कुछ नहीं भी प्रॉफिट मिलता, तो क्या हो गया, तू तो मेरे साथ है ना। बस अल्लाह ताला को जब ये अदा पसंद आ जाती है ना, तो फिर किसी छोटी सी छोटी चीज से भी बादशाह बनने में टाइम नहीं लगता। चाय शाय पी ली थी और अब मैं सोच रही थी कि वापस चलते हैं, अब तो इम्तियाज ओपन हो गया होगा, लेट्स गो। और होपफुली आज की वीडियो आप लोगों ने जरूर इंजॉय की होगी, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर से अपनी एग्जिस्टेंस का एक प्रूफ दिया। अच्छा, मैं एंटर होते साथ ही सेकंड फ्लोर पे गई थी, और जो जो चीजें मुझे याद थी अपने लेने के लिए, मैंने वो ले ली थी और उनका बिल भी करवा लिया था। यहाँ पे सबसे मजे की बात यह है कि इम्तियाज में हर चीज जो है वो बहुत रिजनेबल प्राइस में है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़े मॉल है तो उसके बहुत ज्यादा रेट्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये ऊपर वाले पोर्शन में सारी ग्रोसरी की चीजें थी, सर्फ वगैरह, यहाँ पे इंडियंस और फॉरेन और हर किस्म के यहाँ पे सर्फ पड़े हुए थे। उसके अलावा ये लोशन वगैरह यहाँ पड़े हुए थे, और ये फेस वॉश वगैरह इम्पोर्टेड से लेके पाकिस्तानी लोकल सब पड़े हुए थे। बच्चों की चीजें, खिलौने वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ था। और ये स्विमिंग पूल बच्चों के, और ये बॉडी स्प्रे, सॉरी आई गेस ये बॉटल्स है, यस ये बॉटल्स हैं। और इस तरह ये सारी जो है क्रॉकरी का सामान भी यहाँ पड़ा हुआ था, ये सारे मतलब ब्लैंकेट्स वगैरह। और फिर मेरी नज़र रुक जाती है अपने फेवरेट मग्स के ऊपर। इन सबको मैं देख रही थी और ये मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली लिए थे। और फिर जब मैं साथ साथ मॉल में ये वीडियो बना रही थी और चीज़ें देख रही थी, तो साफ तो हम मॉल में जाके अपनी ज़रूरत ही पूरी कर सकते हैं, ख्वाहिशात पूरी करने लगेंगे तो दिल करेगा सारा कुछ ही लेने। अब इसकी साइड पे ही लेफ्ट साइड सारा क्लोथिंग एरिया था, यहाँ पे बच्चों के, बड़ों के और फीमेल्स के सबके कपड़े थे। जो कि यहाँ पे वॉल क्लॉक्स वगैरह की एक शॉप थी, ये चप्पल वगैरह बहुत प्यारी थी पर मैंने नहीं ली। तो फिर उसके बाद ये सारा मैं विज़िट कर रही थी, ये शूज़ वगैरह भी, आगे सर्दियाँ आ रही हैं। तो इम्तियाज़ एक मुकम्मल मतलब के वो था कि जहाँ से मैं अपनी ज़रूरत की हर चीज़ ले सकती हूँ, एदर इट्स माई पर्सनल और एदर फॉर होम। और यकीन करें कि ये सारा कुछ देखते हुए मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मुझे भूख लग चुकी थी। अब मैं नीचे जा रही थी इनके फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे सारे इनके खाने पीने की सारी चीज़ें थी घर। और यकीन करें लिटरली इतनी रिजनेबल प्राइस में इनकी चीज़ें थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। स्वीट्स पड़ी हुई थी सारी, और ये सारे खाने पीने की मीठी मीठी स्वीट्स पड़ी हुई थी। कुछ डोनट्स थे, कुछ मफिन्स थे, कुछ केक थे, और ये हमारी लोकल ब्रांड की ब्रेड्स वगैरह, ये भी सारी पड़ी हुई थी। और ये सारे मफिन्स वगैरह, ये देखिए कितने कितने रिजनेबल रेट्स हैं। 380 का है, 320 का था, 480 का था, 220 थे, इस तरह में तीन पीसेस मिल रहे थे और बहुत ही रिजनेबल थे। उसके बाद मैं यहाँ आगे आती हूँ, यहाँ मैं सोच रही थी कि कुछ फ्रोज़न फूड देख लूँ, लेकिन मैंने यहाँ से ट्रैवल करके जाना था तो ये मेरा फूड सारा ख़राब हो जाना था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। ये भी काफ़ी अच्छे जो इनके रेट्स होते हैं फ्रोज़न के, वही थे। और यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स के डिफरेंट फ्रोज़न फूड जो हैं वो पड़े हुए थे। यहाँ पर ये लाइव गोश्त मीट चल रहा था, और ये ना वहीं पर खड़े हुए गोश्त बनाते दे रहे थे, मतलब कि जैसे मर्जी आप इसके पीसेस करवा सकते हो, कट करवा सकते हो, जो भी है। अच्छा, उसके आगे ही जाके, आपको पता है मैं नॉन वेज हूँ, तो मैं फिर यहाँ आके अपने फेवरेट एरिया पे रुक गई। और यार ये देख के मेरा दिल कर रहा था मैं सारी मछलियाँ, सारे प्रॉन्स खा लूँ, ये सलमन फिश भी खा लूँ, मेरा सारा खाने को दिल। अच्छा, वेट लूज़ करने की बहुत अच्छी है और प्रोटीन इंक्रीज़ करने का। ये क्रैब था, और मैंने जब इसको हाथ में पकड़ा ना, तो ये पत्थर टाइप इतना सख्त था, लेकिन नीचे से थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट था, मतलब हल्की कच्ची हड्डी जिस तरह हम गोश्त में खाते हैं ना, वैसा ये सीन था। अब मुझे आइडिया नहीं है कि इसका क्या टेस्ट होगा। ये वो जब माएँ चिड़े खाती हैं ना, ये वो चिड़े थे, लेकिन ये बहुत ही प्यारे थे यार, और बहुत रिजनेबल प्राइस। देखिए कितने प्यारे हैं, और सिर्फ 1100 का।
यकीन करें कि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो प्राइस जस्टिफाई कर रही थी। यहाँ पे पाकिस्तानी खाना देखिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने वहाँ से चाइनीज़ खाना लिया था। ये उनकी बेकरी में मैं आ गई थी और यहाँ से मैंने एक चिकन ब्रेड लिया था और एक डैनिश लिया था, और लेने के बाद आप यकीन करें मेरा सिर्फ 300 बिल बना, क्योंकि जो चिकन ब्रेड थी वो 200 की थी और डैनिश ब्रेड जो थी वो 150 या 120 की थी। और यकीन करें यार बहुत रीज़नेबल प्राइस थे और जगह जगह पे काफ़ी सेल्स भी लगी हुई थी। और अच्छा यहीं पे ना मेरी नज़र पड़ गई है ये जूस बार पे, और मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे ना कोई मेरे पसंद वाला जूस भी है। अच्छा ये वाला सेशन तो रह गया था, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला, यहाँ पे सारे फ्रूट्स पे बहुत रीज़नेबल प्राइस है। अच्छा जो प्रेग्नेंट है ना वो ये कोकोनट वाटर ज़रूर पिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है विटामिंस का सोर्स है और बहुत अच्छा हेल्प आउट करता है बेबी की ग्रोथ में। और उसके बाद यह सारा ये सब्जियों वाला सेशन था, यहाँ सारा मैं यही विज़िट कर रही थी। एक्चुअली मैंने लेना नहीं था, लेकिन मैं इनके प्राइस देख रही थी कुछ आपको जस्टिफाई करने के लिए और कुछ अपने माइंड सेट करने के लिए कि अगर मैं बाहर से लेती हूँ तो कितने रेट्स पड़ते हैं, यहाँ से लूँ तो कितने रेट्स पड़ेंगे। और डेफिनेटली क्वालिटी अच्छी होने की वजह से प्राइस बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद ये देख ले 20-20 रुपये के, 25-25 रुपये के ये पापड़ भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, कोई महंगी चीज़ नहीं है। ये फिर मैंने एक हिफा के लिए ले लिया, क्योंकि मुझे पता था हिफा ऐसी चीज़ें खाती है, टेस्ट का आइडिया नहीं था इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिए। और फिर ये निमको शिमको सारा कुछ पड़ा हुआ था, वो लेना हो तो वो भी। अच्छा यहाँ पे ये बाउल मुझे नज़र आई, ये देखिए कितनी क्वालिटी के अच्छे बाउल्स थे और सिर्फ 310 का बाउल था। अब मैं यहाँ काउंटर की तरफ जा रही थी। अब आप उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बात जो है वो थोड़े से इशारे में सारी बात समझ आ गई होगी। तो रीज़नेबल अगर आप लोग ग्रोसरी करना चाहते हैं तो इम्तियाज़ इज़ द बेस्ट ऑप्शन रादर देन अल्फतेह और ऑल दैट। बस फिर अब मेरे जहन में चल रहा था कि अब मैं जल्दी से घर पहुंचूं और घर जाके असर की नमाज़ अदा करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और यहीं पे भी लोग को एंड करते हैं। अब मैं बस घर जाने लगी हूं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे रास्ते में जाते जाते मेरे माइंड में आया कि मैं आपको एक खूबसूरत नज़ारा करवाती जाऊँ, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। ये है मॉस्क मस्जिद, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि शायद ये कैमरे ने भी वैसे कैप्चर नहीं किया होगा। बहुत खूबसूरत सीन लग रहा था। मॉस्क को एंड करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह निगेबान, पानी पीना मत भूलिएगा।